आज पहला सफेद बाल दिखा, कान के पास काले बालों के बीच से झांकते इस पतले रजत तार ने सहसा मन को झकझोर दिया। ऐसा लगा जैसे बसंत में वंशी देखता घूम रहा हूँ और सहसा किसी झाड़ी से शेर निकल पड़े, या पुराने जमाने में किसी मजबूत माने जाने वाले किले की दीवार पर रात को बेफिक्र घूमते गर्बीले किलेदार को बाहर से चढ़ते हुए शत्रु के सिपाही का कलगी दिख जाए, या किसी पार्क के कुंज में अपनी राधा को हृदय से लगाए प्रेमी को एकाएक राधा का बाप आता दिख जाए। कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का दर्द बड़ा होता है। मैं अभी तक कालीन पर चल रहा था, रोज नरसीरस जैसी आत्मरति से आईना देखता था, घुंघराले काले केशों को देखकर सहलाकर सवार कर प्रसन्न होता था, उम्र को ठेलता जाता था, वार्धक्य को अंगूठा दिखाता था। पर आज कान में यह सफेद बाल फुसफुसा उठा। भाई मेरे, एक बात कॉन्फिडेंस से कहूं, अपनी दुकान समेटना अब शुरू कर दो। मरण को त्योहार मानने वाले ही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। वे त्योहार का हल्ला करके अपने हृदय के सत्य भाव को दबाते हैं। तभी से दुखी हूँ। ज्ञानी समझाएंगे जो अवश्य संभावी है उसके होने का क्या दुख। जी हाँ, मौत भी तो अवश्य संभावी है, तो क्या जिंदगी भर मरघट में अपनी चिता रचते रहे? और ज्ञानी से कहीं हर दुख जीता गया? वे क्या कम ज्ञानी थे जो मरणासन लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर विलाप कर रहे थे? मेरो सब पुरुषार्थ था, स्थित प्रज्ञ दर्शन अर्जुन को समझाने वाली आंख उद्भव से गोकुल की व्यथा कथा सुनकर डबडबा आई थी। मरण को त्योहार मानने वाले ही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। मैं वास्तव में दुखी हूँ। सिर पर सफेद कफन बुना जा रहा है, आज पहला तार डाला गया है, उम्र बुनती जाएगी इसे और यह यौवन की लाश को ढक लेगा। दुख नहीं होगा मुझे? दुख उन्हें नहीं होगा जो बूढ़े ही जन्मे हैं। मुझे गुस्सा है इस आईने पर। वैसे तो बड़ा दयालु है, प्रकृति को सुधारकर चेहरा सुडौल बनाकर बताता रहा है, आज एकाएक ये कैसे क्रूर हो गया? क्या इस एक बाल को नहीं छिपा सकता था? इसे दिखाए बिना क्या उसकी ईमानदारी को बड़ा कलंक लग जाता? उर्दू कवियों ने ऐसे संवेदनशील आईनों का बड़ा जिक्र किया है जो माशूक के चेहरे में अपनी ही तस्वीर देखने लगते हैं, जो उस मुख के सामने आते ही गश खा के गिर पड़ते हैं, जो उसे पूरी तरह प्रतिबिंबित ना कर सकने के कारण चटक जाते हैं। सौंदर्य का सामना करना कोई खेल नहीं है। मूसा बेहोश हो गया था। ऐसे भले आईने होते हैं उर्दू कवियों के, और ये तो एक हिंदी लेखक का आईना है। मगर आईने का क्या दोष, बाल तो अपना सफेद हुआ है। सिर पर धारण किया, शरीर का रस पिलाकर इसे पाला, हजारों शीशियां तेल की उड़ेल दी और ये धोखा दे गए। सन्यासी शायद इसीलिए इनसे छुट्टी पा लेता है कि उस वैरागी का साहस भी इसके सामने लड़खड़ा जाता है। आज आत्मविश्वास उठा जाता है, साहस छूट रहा है। किले में आज पहली सुरंग लगी है, दुश्मन को आते अब क्या देर लगेगी? क्या करूं, इसे उखाड़ फेंकूं? लेकिन सुना है यदि एक सफेद बाल को उखाड़ दो तो वहां एक गुच्छा सफेद हो जाता है। रावण जैसा वरदानी होता है ना कंबखत। मेरे चाचा ने एक नौकर सफेद बाल उखाड़ने के लिए ही रखा था, पर थोड़े ही समय में उनके सिर पर कांस फूल उठा था। एक तेल बड़ा मनराखन हो गया है, कहते हैं उससे बाल काले हो जाते हैं। नाम नहीं लिखता, व्यर्थ उसका प्रचार हो जाएगा। उस तेल को लगाऊं? पर उससे भी शत्रु मरेगा नहीं, उसकी वर्दी बदल जाएगी। कुछ लोग खिजाब लगाते हैं, वे बड़े दयनीय होते हैं, बुढ़ापे से हार मानकर यौवन का ढोंग रचते हैं। मेरे एक परिचित खिजाब लगाते थे, शनिवार को वो बूढ़े लगते और सोमवार को जवान। इतवार उनके रंगने का दिन था ना? ना जाने वे ढलती उम्र में काले बाल किसे दिखाते थे, शायद तीसरे विवाह की पत्नी को। पर वे उन्हें बाल रंगते तो देखती ही होगी ना, तो क्या स्त्री को केवल काले बाल दिखाने से यौवन का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं, ये सब नहीं होगा, शत्रु सिर पर बिठाए रखना पड़ेगा। जानता हूँ धीरे धीरे सब वफादार बालों को ये अपनी ओर मिला लेगा। याद आती है मेरे समान धर्मी कवि केशव दास की, जिसे चंद्रवदन मृगलोचनी ने बाबा कह दिया तो वह अपने बालों पर बरस पड़ा था। हे मेरे पूर्वज दुखी रसिक कवि,
तेरे मन की ऐठन मैं अब बखूबी समझ सकता हूँ। मैं चला आ रहा हूँ तेरे पीछे, मुझे बाबा नहीं तो पर दादा कहने लगी है। बस थोड़ा ही फासला है, मन बहुत विचलित है। आत्मरति के अतिरेक का फल नरसी रस ने भोगा था, मुझे भी भोगना पड़ेगा। मुझे एक अन्य कारण से डर है। मैंने देखा है सफेद बाल के आते ही आदमी हिसाब लगाने लगता है कि अब तक क्या पाया, आगे क्या करना है और भविष्य के लिए क्या संचय किया। हिसाब लगाना अच्छा नहीं होता, इससे जीवन में वणिक वृद्धि आती है और जिससे कुछ मिलता है और जिस दिशा से कुछ मिलता है आदमी उसी दिशा में सिजदा करता है। बड़े बड़े हीरो धराशायी होते हैं, बड़ी बड़ी देव प्रतिमाएं खंडित होती हैं। राजनीति, साहित्य, जनसेवा के क्षेत्र में कितनी महिमा मंडित मूर्तियां इन आंखों ने टूटते देखी हैं, कितनी आस्थाएं भंग होते देखी हैं। बड़ी खतरनाक उम्र है ये, बड़े समझौते होते सफेद बालों के मौसम में। यह सुलह का झंडा सर पर लहराने लगा है, यह घोषणा कर रहा है अब तक के शत्रुओं मैंने हथियार डाल दिए हैं, आओ संधि कर ले। तो क्या संधि होगी? जिनसे संघर्ष होता रहा समझौता होगा उससे जिसे गलत मानता रहा। यौवन सिर्फ काले बालों का नाम नहीं है, यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भयता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है और सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफी करने का नाम यौवन है। पर आज एकदम ये निर्णायक प्रश्न मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? बालों की जड़ बहुत गहरी नहीं होती, हृदय से तोकता नहीं है, ये सतही है, बेईमानी। मैं बराबर बेवकूफी करता जाता हूँ, यह सफेद झंडा प्रवचना है, हिसाब करने की कोई जल्दी नहीं, सफेद बाल से क्या होता है। मैं ये सब किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को ही समझा रहा हूँ। द्विमुखी संघर्ष है यह, दूसरों को भ्रमित करना और मन को समझाना। दूसरों से भय नहीं, सफेद बालों से किसी और का क्या बिगड़ेगा। पर मन तो अपना है, इसे तो समझाना ही पड़ेगा कि भाई तू परेशान मत हो, अभी ऐसा क्या हो गया है, यह तो पहला ही है, और फिर अगर तू नहीं ढीला होता तो क्या बिगड़ने वाला है। पहले सफेद बाल का दिखना एक पर्व है। दशरथ को कान के पास सफेद बाल दिखे तो उन्होंने राम को राजगद्दी देने का संकल्प किया। उनके चार पुत्र थे, उन्हें देने का सुभीता था। मैं किसे सौंपूं? कोई कंधा मेरे सामने ही नहीं है जिस पर यह गौरव में भार रख दूं। किस पुत्र को सौंपूं? मेरे एक मित्र के तीन पुत्र हैं। सवेरे यह मेरा दशरथ अपने कुमारों को चुल्लू चुल्लू पानी मिला दूध बांटता है। इनके कंधे ही नहीं है, भार कहाँ रखेंगे। बड़े आदमियों के दो तरह के पुत्र होते हैं, वे जो वास्तव में हैं पर कहलाते नहीं है, और वे जो कहलाते हैं पर होते नहीं है। जो कहलाते हैं वे धन संपत्ति के मालिक बनते हैं, और जो वास्तव में हैं वे कहीं पंखा खींचते या बर्तन मांजते हैं। होने से कहलाना ज्यादा लाभदायक है। अपना कोई पुत्र नहीं होता तो मुश्किल में पड़ जाते, क्या देते। राजपाट के दिन गए, धन दौलत के दिन है, पर पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उठाकर दे दिया जाए। ना उत्तराधिकारी है, ना उसका कोई प्राप्त है। यह पर्व क्या बिना दिए चला जाएगा? पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता। विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी कैसे सकता है? इससे क्या कि कौन किसका पुत्र होगा और कौन किसका पिता कहलाएगा। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें वह भविष्य ही देता हूँ। पर हम क्या दें? महायुद्ध की छाया में बड़े हम लोग, हम गरीबी और अभाव में पले लोग, केवल जिजीविषा खाकर जिए हम लोग, हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफेद हैं। हमारे पास क्या है? हाँ, भविष्य है, लेकिन वह भी हमारा नहीं, आने वालों का है। तो इतना रंक नहीं हो, विराट भविष्य तो है। और अब उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें वह भविष्य ही देता हूँ, यद्यपि वह अभी मूर्त नहीं हुआ है, पर हम सब जुटे हैं उसे मूर्त करने। हम नींव में धस रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक भव्य भविष्य रचा जा सके। वह एक वर्तमान बनकर ही आएगा, हमारा तो कोई वर्तमान भी नहीं था। मैं तुम्हें भविष्य देता हूँ, और इसे देने का अर्थ यह है कि हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माण में अपने आप को मिटा रहे हैं। लो, सफेद बाल दिखने के इस पर्व पर यह तुम्हारा प्राप्य संभालो। होने दो हमारे सफेद बाल,
हम काम में तो लगे हैं, जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ययाति जैसे स्वार्थी हम नहीं है जो पुत्र की जवानी लेकर युवा हो गया था बाल के साथ और उसने फिर अपना मुंह काला कर लिया। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम नींव में धस रहे हैं। लो, हम तुम्हें कलश देते हैं।